हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सबके। दोस्तों, अगर आप नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आपके लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ने वाला है। दोस्तों, नोकिया कंपनी शायद ही कोई होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना है। अब नोकिया कंपनी स्मार्टफोन और टेलीविजन के बाद अब लैपटॉप मार्केट में भी एंट्री करने वाली है। दोस्तों, नोकिया अपना पहला लैपटॉप भारत में लॉन्च करेगी जिसका नाम नोकिया प्योर बुक X40 होगा। दोस्तों, इस नाम के साथ नोकिया भारत में लैपटॉप मार्केट में एंट्री करने वाली है। दोस्तों, इसमें क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन मिलेगी और दोस्तों इसकी कितनी कीमत होगी और यह कहां पर लॉन्च होगा, इसकी फुल जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कुछ स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको इंटेल का i5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर बात करें इसके कलर की तो यह आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों 12GB रैम के साथ होगा। दोस्तों, इसमें आपको Dolby साउंड क्वालिटी के साथ फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर बात करें इसकी रैम की तो यह आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, जो कि होगा 8GB रैम और 12GB रैम के साथ। और इसमें आपको हार्ड डिस्क की बात करें दोस्तों, इसमें आपको 1TB हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी। और दोस्तों, यह लैपटॉप डेली यूज के साथ साथ इसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हो। और दोस्तों, एक लीक से पता लगा है कि यह लैपटॉप लाइट वेट होने वाला है, इसका वेट 1.1 किलोग्राम तक होगा। अगर दोस्तों बात करें इसकी लॉन्च की तो यह फ्लिपकार्ट पर लॉन्च होने वाला है और यह दोस्तों 90,000 रुपए की कीमत में लॉन्च होगा। तो दोस्तों, अगर बात करें यह कब तक लॉन्च होगा, इसकी डेट की, तो दोस्तों अभी कोई डेट सामने नहीं आई है, ऑफिशियली कोई डेट सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, अगर अब मैं बात करूँ अपने ओपिनियन की तो यह जनवरी तक लॉन्च होगा शायद भारत में। तो अगर दोस्तों आप इस लैपटॉप का वेट करने वाले हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। दोस्तों, नए स्मार्टफोन और लैपटॉप की अपडेट्स या स्पेसिफिकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।